हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम खेलने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच। सभी हमेशा चलता रहता है कि भाई कौन सी लीग बेटर है, PSL या IPL। तो हमने दोनों टीम के पिछले साल के फाइनलिस्ट का एक मैच कराने की सोची। चलो एक T20 मैच खेला जाए दोनों ही टीमों के बीच। आइए देखते यहाँ पे सब कुछ फेयर है। तो हमने होम ग्राउंड भी जो है पाकिस्तान का चूज करा, इंडिया का चूज नहीं करा। यहाँ पे दोनों ही टीमें ग्राउंड में आ चुके हैं, प्रैक्टिस स्टार्ट हो चली है। चलो यहाँ पे सीधा टॉस की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे टॉस जीत के पहले गुजरात टाइटंस ने बॉलिंग का फैसला किया है। सबसे पहले बॉलिंग दे रही है मोहम्मद शामी के हाथ में। फर्स्ट बॉल मैच करने के शफीक सामने है मोहम्मद शामी का। तो लेट्स सी क्या होता है पहली बॉल पर। पहली बॉल बहुत अच्छी, सामने डिफेंस किया बल्लेबाज ने, कोई रन नहीं। मोहम्मद शामी के ओवर की आखिरी बॉल अब तक सिर्फ दिए हैं 3 रन। बहुत अच्छी गेंदबाजी, और यहाँ पर भी आखिरी गेंद बहुत बढ़िया, सिर्फ 1 रन मिलेगा बल्लेबाज को। दूसरे रन के लिए निकल पड़ेगा, रन आउट का मौका हो सकता है वहां पे। नगर बहुत बढ़िया रनिंग विद इन द विकेट। वहां दूसरे एंड से लॉकी फर्गसन करेंगे बॉलिंग। बहुत अच्छी बॉल और एज लगा, वहां पे चौका निकल चुका है। आखिरी बॉल लॉकी फर्गसन की, बहुत अच्छा ओवर डाला अभी तक। यहाँ पर इनसाइड एज और एक और चौका जाता हुआ। पहली बॉल पे इनसाइड एज का चौका आया था, लास्ट बॉल पे भी एज का चौका आया। अगली गेंद सामने फकर जमान, कट शॉट खेला है गैप में, शॉट है और 4 रन मारा। बहुत बढ़िया, बॉल को बहुत पहले पिक किया और कट शॉट पे चौका जड़ दिया है मोहम्मद शामी की गेंद पर। लॉकी फर्गसन अपना दूसरा ओवर स्टार्ट करेंगे। पहले में 10 रन दिए थे मगर ओवर अच्छा था वहां पे। इस बार बहुत बढ़िया कट शॉट, गैप में जाइए बॉल और शफीक ने जड़ दिया है 4 रन। आखिरी बॉल लॉकी फर्गसन के ओवर की विकेट की तलाश यहाँ पर, मगर बहुत बड़ा शॉट, हवा में खेली है गेंद, पीछे कोई फील्डर था नहीं। 4 रन मिलते हुए फकर जमान को यहाँ पर। बॉलिंग अच्छी हुई है मगर विकेट कोई नहीं मिला अभी तक यहाँ पे। एक और बढ़िया शॉट, इस बार 4 रन है। इस बार कोई मौका नहीं किसी भी फील्डर के पास। दूसरे एंड से चेंज करके कप्तान हार्दिक पांड्या खुद आए। पहली 2 गेंदें बहुत बेहतरीन, कोई रन नहीं आया यहाँ पे। तीसरी गेंद के लिए तैयार, इस बार उठा के बड़ा शॉट खेला है कवर्स की तरफ, गैप में जाती हुई शॉट, शफीक ने जड़ दिया 4 रन। इस ओवर में मात्र 1 चौका आया, बाकी सभी बॉल डॉट है। आखिरी बॉल इस ओवर की क्या होगा यहाँ पे। बहुत बढ़िया बॉल, बीट किया बैट्समैन को। पावर प्ले खत्म हुआ है, फील्डिंग खुल गई है। तो यहाँ पे स्पिनर को ले आए राशिद खान, आ गए हैं विकेट टेकिंग गेंदबाज। क्या विकेट ले पाएंगे, लेट्स सी क्या होता है यहाँ पे। राशिद खान की गेंदबाजी में विकेट मिलती है नहीं। पहली बॉल राशिद खान की यहाँ पर, बहुत अच्छी बॉल, बहुत अच्छी बॉल, अच्छी बॉल गैप में मारी है, स्वीप और मिलेंगे पूरे 4 रन। फील्डर मौजूद जरूर था मगर रोक नहीं पाया। अच्छी गेंद इस ओवर की, अब तक सिर्फ 5 रन आए। अच्छी गेंदबाजी और ये आगे बढ़ के बहुत बढ़िया शॉट शफीक का, मिलेंगे पूरे 6 रन। यहाँ पे अटैक कर दिया राशिद खान पे और भाई बिल्कुल चौड़े हो गए हैं भैया, छक्का मारने के बाद बिल्कुल चौड़े हो गए हैं। पहला ओवर राशिद खान का थोड़ा महंगा होता हुआ। इस बार फिर से आगे बढ़ के बड़ा शॉट खेला है, क्या इस बार फील्डर होगा, जी नहीं, एक और 6 रन भाई। इस ओवर में हर बॉल पे सिंगल आया, आखिरी बॉल है हार्दिक पांड्या के इस ओवर की, लेट्स सी क्या होता है। एज लगा मगर वहां पे सेफ रहे बल्लेबाज, 1 रन यहां पर। 6 बॉलों पे 6 सिंगल आए इस ओवर में, अच्छा ओवर। अगली बॉल राशिद खान की फकर जमान के सामने, बहुत बड़ा शॉट खेला है और जहां पर भी 6 रन मिलेंगे भाई राशिद खान को, तो आड़े हाथों ले रहे हैं। अभी भी पहली विकेट की तलाश गुजरात टाइटंस को, और यहाँ पे मिलेगा विकेट, पहला विकेट आता हूँ राशिद खान ने दिला दिया है पहला विकेट। मैथ्यू वेड का बहुत बढ़िया कैच वहां पर, जैसे एक बात की थी कि पहला विकेट चाहिए और यहाँ पे पहला विकेट राशिद खान ने ब्रेक थ्रू दिलाया। महंगे साबित जरूर हुए मगर वहां पे एंड में विकेट मिलता हुआ और बहुत बढ़िया कैच वेड का। तक सिर्फ 3 रन आए और हार्दिक पांड्या की आखिरी गेंद यहाँ पर बहुत बढ़िया बाउंसर के साथ बीट किया बैट्समैन को। 10 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, 80 रन बने हैं और 1 विकेट गिरी है यहाँ पे लाहौर कलंदर्स की। और यहाँ पे बहुत बढ़िया बॉल, अच्छी बॉल के साथ स्टार्ट की है अगली गेंद। यहाँ पर बहुत बड़ा शॉट, हवा में गेंद है, क्या ये 6 रन है या फिर आउट होगा, जी नहीं, यहाँ पर मिलते हैं पूरे 6 रन। ये बढ़िया शॉट, हवा में गेंद है, क्या यहाँ पे 6 रन मिलेंगे या फिर विकेट होगा, और यहाँ पे कैच होती हुई और विकेट मिल चुका है रवि शाही की शौर्य को। जीशान अशरफ जो स्ट्रगल कर रहे थे शुरू से, 1 छक्का जरूर मारा था मगर यहाँ पे अपना विकेट दे बैठे हैं। ये किशोर है भाई, फ्लाइट दे रहा है बल्लेबाज को हवा में मारने के लिए ताकि कैच उठ सके। और यहाँ पे एक बार फिर से हवा में गई है बॉल, इस बार गैप में है, रोकने में नाकामयाब रहे फील्डर वहां पे। आखिरी बॉल इस ओवर की, 1 विकेट आ चुकी है ऑलरेडी और ये बेहतरीन शॉट शफीक का, इस 6 के साथ अपना अर्धशतक कंप्लीट करते हुए यहाँ पे शफीक, बेहतरीन इनिंग शफीक के यहाँ पे, 50 रन पूरे, 2-3 छक्के और 4 चौके। इस बार आगे बढ़ के बड़ा शॉट खेला है शफीक ने, लेग साइड में 4 रन मिलेंगे, बहुत बढ़िया। इस बार बढ़िया शॉट, एक और बेहतरीन गैप पिक करते हुए शफीक, वहां पे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। थोड़ा साइड को चेंज किया, एंगल चेंज किया, क्या यहाँ पे एंगल चेंज काम आएगा। यहाँ पे बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, फील्डर के पास जाती है और कैच हो चुके हैं। एंगल चेंज करने का फायदा मिलता हुआ बॉलर को और 62 रनों की बेहतरीन पारी खेलने के बाद शफीक को जाना पड़ेगा पवेलियन की तरफ वापस।
इस बार बढ़िया शॉट खेला है, गैप में जाती हुई ये बॉल, एक बार फिर से दो बॉल पे दो चौके आ चुके हैं, तो लगातार दो बॉल डॉट हो चुके हैं इस ओवर में। तीसरी गेंद, बड़ा शॉट खेला है, गैप में है ये शॉट, मिलेंगे चार रन। पिछली बॉल पे चौका खाया राशिद खान ने, इस बार लाइन में थोड़ा बदलाव किया है, इस बार शॉट खेला है बड़ा, क्या फील्डर इस बार पकड़ पाएंगे बॉल को, जी हाँ यहाँ पे सीधा गई बॉल के बाद, मगर फील्डर बाउंड्री के अंदर घुस गए और छह रन हो चुका है वहां पे, जहां पर विकेट होना चाहिए था वहां पर भाई छह रन हो गए हैं, पांच गेंदे और पांच सिंगल। भाई शामी को बहुत संभल के खेला दोनों ही बल्लेबाजों ने, और आखिरी बॉल पे भी कोई बड़ा शॉट नहीं खेला, सिर्फ सिंगल के साथ ओवर निकाल दिया है। अब तक पांच गेंदों में सिर्फ चार रन दिए लॉकी फर्गुसन ने, अच्छा ओवर निकाला है, क्या यहाँ पे विकेट आएगा, जी नहीं, बढ़िया शॉट है गैप में जाती हुई ये बॉल, चार रन, पहले दो गेंदों में आए मात्र एक रन, और यहाँ पे थोड़ी शॉर्ट लेंथ पीछे क्यों खींचा, और बहुत बढ़िया कट शॉट पॉइंट और गली के फील्डर के बीच से निकाल दिया ये शॉट, और चार रन जड़ दिए। आखिरी बॉल इस इनिंग की हार्दिक पांड्या सामने गुलाम, बढ़िया शॉट खेला है गैप में जाती हुई ये बॉल, क्या यहाँ पे चार रन मिलेंगे, जी नहीं, बेहतरीन फील्डिंग के मुशायरा वहां पर, एक रन जरूर बचाया अपनी टीम के लिए, तीन रन भाग लिए बल्लेबाजों ने, एक रन जरूर बचाया यहाँ पे, और यहाँ पे फाइनल स्कोर है लाहौर कलंदर का 173, और यहाँ पे कामरान गुलाम ने भी अपना अर्धशतक कंप्लीट किया, मात्र 28 गेंदों में 50 रन मारे, और यहाँ पे अपनी टीम को एक रिस्पेक्टिव स्कोर पे पहुंचा दिया है। तो यहाँ पे 174 का टारगेट है गुजरात टाइटन का, शुभमन गिल और वृद्धिमन साह ओपन करने आ चुके हैं यहाँ पे, लेट्स सी, यहाँ पे बॉलिंग पे आए हैं शाहिन शाह अफरीदी, क्या ये टारगेट चेस करने में कामयाब रह पाएगी गुजरात की टीम, लेट्स सी, देखते हैं। यहाँ पे पहला बॉल होने जा रहा है शाहिन शाह अफरीदी, सामने है शुभमन गिल, और ये पहली बॉल पे अच्छा कट शॉट खेला गैप में, एक रन मिलता हुआ शाहिन शाह अफरीदी ने, तीन तीन स्लिप लगाई है भाई, दो स्लिप लगाई है यहाँ पे, और ये पैरों में गेंद पूरी तरह से फायदा उठाए शॉट पे, जड़ दिया चार रन वृद्धिमन साह ने, अगली गेंद यहाँ पर, और ये बैकफुट पे जाके कट शॉट खेला है चार रन जड़ते हुए वृद्धिमन साहब, बहुत बढ़िया शॉट, बेहतरीन टाइमिंग, एक बार फिर से वही शॉट खेलने में कामयाब रहे वृद्धिमन साहा, और बैकफुट पे जाके कट शॉट गली और पॉइंट के फील्डर के बीच से चौका जड़ने में कामयाब। और हैरिस रॉफ को ले आए हैं यहाँ पे गेंदबाजी के लिए, हैरिस रॉफ पहली बॉल, और ये बाउंसर मारी है, क्या ये वाइड बॉल होगी, यहाँ अंपायर ने दिया वाइड का इशारा, और एक अतिरिक्त रन भी भागने में कामयाब रहे दोनों ही बल्लेबाज। इस बार बेहतरीन कनेक्शन शुभमन गिल के बल्ले से, चार रन कवर्स की तरफ जाते हुए, कोई मौका नहीं किसी फील्डर के पास, अफरीदी फिर से नाराज। हैरिस रॉफ अगली गेंद के लिए, सामने वृद्धिमन साहा, बढ़िया शॉट, कैप में जाती हुई बॉल, कनेक्शन कितना अच्छा है, क्या चार रन मिल पाएंगे यहाँ पे, जी हाँ चार रन मिलते हुए फील्डर पकड़ने में रहे नाकामयाब, हैरिस रॉफ की पिटाई होती हुई यहाँ पर, इस बार कनेक्शन इतना बढ़िया है कि फील्डर को भागने की मुझे लगता नहीं जरूरत है, वहां पे चार रन की तरफ जा रही है बॉल, ये शुभमन गिल आखिरी बॉल फेस करेंगे, और यहाँ पे अच्छी शॉट मारी है गैप में मारी है, क्या यहाँ पे चार रन मिल पाएंगे, कनेक्शन कितना अच्छा है यहाँ पे, जी हाँ मिल गए हैं चार रन, शुभमन गिल भी पार्टी ज्वाइन करते हुए, सामने वृद्धिमन साह अच्छी बॉल, एक रन चुराने की कोशिश करिए, वहां पे रन आउट हो गए हैं यहाँ पर, थर्ड एम्पायर के पास गए, यहाँ पर मुझे लगता नहीं वृद्धिमन साह यहाँ बच पाएंगे, एक रन चुराने के चक्कर में अपना विकेट गवा बैठे हैं। अगले बल्लेबाज आएंगे मैथ्यू वेड, पहली बॉल पे रन आउट, दो लगातार डॉट बॉले, और इस बार अच्छा शॉट कवर्स की तरफ, अच्छा शॉट शुभमन गिल के बल्ले से आता हुआ चार रन, पिछली बॉल पे चौका लगने के बाद अराउंड तो विकेट आ गए शाहिन शाह अफरीदी, इस बार बढ़िया बॉल एस दे बैठे शुभमन गिल, और पीछे हो चुका है कैच, एक और विकेट यहाँ पे शाहिन शाह अफरीदी ने आके पूरी तरह से गेम पलट दिया है, एक ही ओवर में दो विकेट। अगले बल्लेबाज डेविड मिलर आ चुके हैं यहाँ पर, किलर मिलर, ये अच्छी शॉट है गैप में गई है बॉल, बैक फुट पे पंच किया है डेविड मिलर ने, आउटफील्ड बहुत तेज, पूरे चार रन मिलेंगे, डेविड वीजे की पहली बॉल फेस करेंगे मैथ्यू वेड, और ये बढ़िया बाउंसर की है, अब तक अच्छा ओवर घटा ये, मगर वेड के इरादे कुछ और ही, यहाँ पे शॉट खेला है हवा में गैप में जाते हुए, और चार रन, अगली गेंद इस बार फिर से हवा में खेला वेड ने, और इस बार पूरे छह रन मिलेंगे, बहुत बेहतरीन टाइमिंग, पहला छक्का आता हुआ गुजरात टाइटंस की टीम के लिए, शाहिन अफरीदी भाई इस ओवर में अब तक सिर्फ तीन रन दिए हैं, अच्छी गेंदबाजी, और यहाँ पे लास्ट बॉल पे बढ़िया कनेक्शन जरूर, मगर मिलेगा मात्र एक ही रन, पांच गेंदों में अब तक भाई तीन रन आए, अच्छी बॉलिंग यहाँ पे, ओ बढ़िया बढ़िया बॉल,
खतरनाक बॉल, खतरनाक बॉल वहां पे, सीधा पैरों पे अटैक और अंपायर ने सीधी उंगली खड़ी कर दिया। अगले बल्लेबाज आएंगे, कप्तान खुद आ चुके हैं क्रीज पर, हार्दिक पांड्या। और ये बढ़िया शॉट हार्दिक पांड्या का, गैप पिक करते हुए, टाइमिंग इतनी अच्छी नहीं थी मगर फिर भी 4 रन मिलते हुए यहाँ पर। बहुत देर बाद बाउंड्री आई गुजरात टाइटंस के लिए और यहाँ पर वापस चीज जाना पड़ेगा कप्तान हार्दिक पांड्या को। बहुत अच्छी गेंद, एज निकाला और वहां पे विकेट कीपर ने नहीं करी कोई भी गलती। अगले बल्लेबाज राहुल तेवतिया क्रीज पर आते हुए, इस जोड़ी को करना होगा कुछ कमाल अगर इस मैच को अपने पास रखना है तो। और यहाँ पर दो बॉल दो विकेट, आखिरी गेंद हैरिस रॉफ के इस ओवर की, बढ़िया शॉट के लिए राशिद खान ने, गैप में शॉट और चल दिया है 4 रन। राशिद खान भी बल्लेबाजी कर सकते हैं और यहां पर नो बॉल का इशारा अंपायर का, ओवर स्टेपिंग कर बैठे हैं हैरिस रॉफ। इतना अच्छा ओवर जा रहा था और यहां पर गलती हुई, फ्री हिट मिलेगी, हिट सामने राशिद खान और एक और नो बॉल हो गई है यहाँ पर। पिछली फ्री हिट मिस कर दी थी, एक और मौका मिला है यहाँ पे राशिद खान को और यहाँ पे विकेट गिरी है मगर फ्री हिट है तो इसलिए बच जाएंगे राशिद खान। ये गुलाम तो भाई खतरनाक गेंदबाजी कर रहा है, इस ओवर में भी रन नहीं दिए हैं। ये बढ़िया शॉट जरूर खेला है, मिलेगा मात्र एक ही रन। केलर मिलर जो 19 पे 22 पे खेल रहे हैं भैया, इनको बड़ी बारी खेलनी पड़ेगी अगर ये मैच जीतना तो। मगर यहाँ पर होगी वाइड बॉल, वाइड नहीं दिया अंपायर ने। बढ़िया शॉट, गैप में शॉट, बैक फुट कट किया, 4 रन मिलते हुए यहाँ पर। अगली बॉल किलर मिलर फेस करते हुए और ये बहुत बढ़िया टाइमिंग की शॉट सामने, 6 रन जड़ दिए हैं। किलर मिलर अपने जलवे दिखाते हुए इस मैच में अब। परफेक्ट टाइमिंग शॉट, फुल लेंथ डिलीवरी बैट के नीचे, फुल बैट फ्लो के साथ 6 रन। और ये बैक फुट पे बेहतरीन कट शॉट, राशिद खान भी अपनी इस जीत में कंट्रीब्यूशन देते हुए। अगली गेंद के लिए तैयार और ये फुल लेंथ डिलीवरी, डेविड मिलर छोड़ेंगे नहीं ऐसी बॉल। इस बार राशिद खान बैक फुट कट, बेहतरीन गैप शॉट, एक बार फिर फुल लेंथ डिलीवरी और किलर मिलर छोड़ने वाले हैं नहीं भाई इस बॉल को। चढ़ दिया एक और छक्का और 50 कंप्लीट करते हुए अपने डेविड मिलर भाई, मजा आ गया डेविड मिलर की इस इनिंग को देखते हुए। मैच विनिंग नॉक है या चाहिए हम यहां पर राष्ट्र, मगर डेविड मिलर देर नहीं चाहते मैच जीतने में। बढ़िया शॉट, बढ़िया बैक फुट कट शॉट, कोई फील्डर मौजूद नहीं है इस बॉल को पकड़ने के लिए, 4 रन। और डेविड मिलर को मिली फुल लेंथ डिलीवरी और डेविड मिलर ने किया गेंद को ग्राउंड से बाहर, 15 रन और चाहिए जीत के लिए। बढ़िया शॉट, गैप में ये शॉट, कोई मौका नहीं किसी फील्डर के पास को पकड़ने का। और ये राशिद करामती खान का विकेट, बहुत बेहतरीन यॉर्कर, पूरी तरह से लाइन को मिस किया वहां पर और भाई स्टंप उड़ते हुए ग्राउंड में। अच्छी बॉल, 1 रन की मांग की है वहां पे, रनआउट का मौका मगर बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट और ओवर थ्रो का एकत्रित रन आता हुआ यहां पे। चल क्या रहा है यहां पे खेल में। और यहाँ पे हल्के हाथों से डेविड मिलर ने सिंगल लेके समझदारी के साथ इस मैच को अपने नाम कर लिया है और आईपीएल की टीम ने हरा दिया है पीएसएल की टीम को। तो गाइस आप लोगों को पता चल ही गया होगा आईपीएल वर्सेस पीएसएल में कौन सी टीम बेहतर है। हमारी गुजरात टाइटंस की टीम ने एक अच्छी जीत करी, हालांकि मैच बहुत अच्छा हुआ, विकेटें बहुत गिरी इस मैच में मगर अंत में किलर मिलर ने अपनी टीम को मैच जिताया। वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई लाइक जरूर करना वीडियो को, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगली वीडियो के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा टेक केयर, बाय बाय। और कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन देना मत भूलना मेरे दोस्त।